आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है, किसी प्रक्षेप का उड्डयन काल उसके क्षैतिज परास से निम्न समीकरण द्वारा संबंधित है, ठीक है, जो क्या दे रखा है, जी टी स्क्वायर बराबर 2R, इसके प्रक्षेपण कोण का मान हमें बताना है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, एक समीकरण दे रखा है कि जी टी स्क्वायर 2R के अगर बराबर है तो प्रक्षेप कोण का मान कितना होगा, ठीक है। तो पहले एक सिंपल सा डायग्राम समझ लेते हैं, ठीक है। मानते हैं कि एक कोई वस्तु है जिसे यू वी एक्स से क्या करते हैं, इसे प्रक्षेपित करते हैं। प्रक्षेप करने पे और उसे थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया गया होगा, ठीक है। तो एक यू वी एक्स से थीटा कोण पे इसे क्या करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। कुछ इस तरह से यू वी एक्स से प्रक्षेपित किया और थीटा कोण पे प्रक्षेपित किया। तो ये क्या होता है, देखिए जो जितनी भी क्षैतिज दूरी तय करती है हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज परास बोलते हैं। मतलब ये दूरी क्षैतिज परास हो गई, ठीक है। और ये टी क्या होता है, उड्डयन काल होता है। उड्डयन काल क्या होता है कि जब कोई वस्तु जितने समय तक हवा में रहती है, या फिर इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हैं सिंपल तरीके से कि जब कोई वस्तु जिस बिंदु मतलब क्षैतिज से चलती है और ऊपर क्या करते हैं ये वस्तु घूमते हुए, ठीक है, और फिर क्षैतिज में आती है, तो इनके भी जितना भी समय लगता है इसे क्या बोलते हैं, उड्डयन काल बोलते हैं। इसे हम टी से दर्शा रहे हैं, ठीक है। जैसे भी वस्तु जो है बिंदु ए पे थी और उसके बाद वस्तु कहाँ गई, बिंदु बी पे गई, राइट। अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पास हम ऐसा कर सकते हैं, हमें देखिए हम सब समीकरण लिखते हैं पहले, ठीक है, जो हमें दिया हुआ है जी टी का स्क्वायर बराबर 2R, ठीक है। अब हमें पता है उड्डयन काल क्या होता है, यदि वस्तु यू वेग से प्रक्षेपित किया जाए थीटा कोण पे, तो उड्डयन काल का जो फार्मूला होता है वह लिखा जाता है, यह फार्मूला हमें याद होना चाहिए, 2u sin थीटा बाई जी होता है, ये उड्डयन काल का फार्मूला होता है, राइट। और इसके बाद हम बात करते हैं ये क्षैतिज परास क्या होता है, देखिए जो क्षैतिज परास होता है ना उसे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं क्षैतिज परास को, इसका फार्मूला भी हमें याद होना चाहिए, यू स्क्वायर बाई जी साइन 2θ होता है, ठीक है, यही हमारा क्या होता है, क्षैतिज परास होता है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए जो वैल्यू कैंसिल हो रही है उन्हें कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि एक बार हम और लिखते हैं, देखिए यहाँ से हम जी से जी कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और क्या कैंसिल कर सकते हैं, देखिए हम यहाँ से हम देख सकते हैं इसका स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा जी का, आप देखिए थोड़ा सा इसको हम एक बार ओपन ही कर लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा लिखा जा सकता है इसे कि जी और ये हो जाएगा 4, इसको क्या लिख सकते हैं, यू का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा जी का स्क्वायर, ठीक है। और इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 2, इधर हो जाएगा हमारा यू का स्क्वायर बाई जी और साइन 2θ को क्या लिखते हैं, देखिये साइन 2θ को लिखा जा सकता है 2, देखिये त्रिकोणमितीय फॉर्मूले से होता है 2sin θ cos थीटा, ठीक है, यह फार्मूला होता है। यहाँ से हम देखते हैं कि एक जी से एक जी कैंसिल हो जाएगा और एक जी से बचा हुआ जी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल होकर क्या बचेगा, 2 बचेगा, और क्या होता है देखिए, और यहाँ पास हम देखते हैं ये 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, अब एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो जा रहा है हमारा, कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बचेगा, यहाँ पास बचेगा सिर्फ साइन थीटा और इधर क्या बचेगा, सिर्फ कॉस थीटा, क्यों ना कॉस थीटा को हम क्या कर दें, भाग कर दें, तो इधर क्या हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा, त्रिकोणमिति से हम जानते हैं कि टेन थीटा के बराबर होता है, इधर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब टेन थीटा एक किसका होता है, 45, अगर थीटा 45 डिग्री हो, है ना, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हमें पता चला तो कौन सा कोण है, 45 डिग्री का कोण है जिस पे यह समीकरण क्या होता है, प्राप्त होता है, जी टी का स्क्वायर बराबर 2R, ठीक है, यही हमें बताना था कि प्रक्षेप कोण कौन सा है, तो प्रक्षेप कोण 45 डिग्री है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा, आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।